वेलकम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आरंभ करने जा रहे हैं। दुनिया के एक महान निर्देशक और नाट्य सिद्धांतकार वसेव लोड मेयर होल्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। आज वसेव लोड मेयर होल्ड के बारे में बात शुरू मैं करना चाहता हूं ली स्टार्सवर्ग के कुछ शब्दों से। ली स्टार्सवर्ग कहते हैं कि रंगमंच में कोई ऐसी युक्ति, कोई ऐसा दौर नहीं है जिसे मेयर होल्ड ने अपने काम में न आजमाया हो। ये शब्द, ये पंक्तियां खुद ब खुद मेयर होल्ड के रंगमंचीय सक्रियता, रंगमंच में नई भाषा की खोज, नवीन प्रयोग को मंच में लाने के लिए उनके द्वारा किए गए भगीरथ प्रयास, इन सब को रेखांकित करने के लिए पर्याप्त है। तो आज हम उसी वसेव लोड मेयर होल्ड के बारे में जानेंगे जिनका जन्म 1874 में हुआ और उनकी मृत्यु 1940 में हुई। तो मेयर होल्ड का जन्म 1874 के 28 जनवरी को हुआ रूस के एक छोटे से कस्बे में जिसका नाम पेंजा हुआ करता था। पेंजा नाम के छोटे से कस्बे में हुआ और ये अपने माता पिता के 8वें संतान थे। माता पिता ने इनका नाम कार्ल थियोडोर काजिमीरी मेयरगोल्ड रखा। मेयरगोल्ड दरअसल इनके पिता का नाम था, तो वो मेयरगोल्ड इनके साथ चला। इनका नाम जो रखा गया वो कार्ल थियोडोर काजिमीरी और मेयरगोल्ड पिता के टाइटल के साथ इनके साथ जुड़ गया, रखा गया। पिता जो थे वो बोध का जो रूसी शराब होता है, जिसे वहां के शराब का प्रमुख शराब है, और उसके निर्माण के कार्य में पिता उसके व्यापारी थे और उसका निर्माण कार्य किया करते थे। पिता का नाम था एमिल फेदोरोविच मेयरगोल्ड और वो बोध का बनाते थे, उसका निर्माण करते थे। इसी कस्बे में, इसी छोटे से पेंजा नाम के कस्बे में 18 साल की उम्र में पहली बार मेयर होल्ड ने रंगमंच का काम, रंगमंच करना आरंभ किया 1892 में। 1892 में पहली बार मेयर होल्ड पेंजा कस्बे में रंगमंच करना आरंभ किया। वहां एक छोटा सा पेंजा में एक छोटा सा शौकिया नाट्य दल हुआ करता था जिसका नाम होता था लवर्स ऑफ ड्रामेटिक आर्ट। लवर्स ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में जाकर के शौकिया तौर पर मेयरगोल्ड, उस समय मेयरगोल्ड जुड़ जाते हैं, थियोडोर काजिमीर मेयरगोल्ड जुड़ जाते हैं और वहां वो 18 साल की उम्र में पहली बार अपना पहला नाटक वो फ्रॉम विट करते हैं, जो ग्रीवायदव का लिखा हुआ नाटक था और इस नाटक को करते हैं। ग्रीवायदव का लिखा हुआ नाटक वो फ्रॉम विट में उन्होंने रेपेटिलोव की भूमिका करते हैं और यहीं से उनके रंगमंचीय जीवन का आरंभ होता है। 18 साल की उम्र में रेपेटिलोव की भूमिका, नाटक वो फ्रॉम विट जिसे लिखा था ग्रीवायदव ने, और ये नाटक लवर्स ऑफ ड्रामेटिक आर्ट नामक दल के साथ उन्होंने किया था पेंजा के छोटे से कस्बे में।
तो इस तरह से मेयरहोल्ड की अपनी रंगमंचीय यात्रा उस छोटे से कस्बे में शुरू होता है और उसके बाद वो अपनी डायरी में लिखते हैं प्रसंग, क्या लिखते हैं कि मुझ में प्रतिभा है, मैं एक अच्छा अभिनेता बन सकता हूं, यही मेरा सबसे प्यारा सपना है। ऐसा सपना जिसे लेकर मैं 5 वर्ष की उम्र से सोचने लगा था। अब ये उनके डायरी की जो ये चंद पंक्तियां हैं, ये मेयरहोल्ड का रंगमंच के प्रति, अभिनय कला के प्रति जो उनका एक प्यार, एक लगाव, एक पैशन था, उसे दिखाने के लिए पर्याप्त है कि वो 5 साल की उम्र से ये सोचना शुरू कर चुके थे कि उन्हें अभिनेता बनना है। उन्हें अभिनेता, अभिनय से लगाव था और वो अभिनेता बन सकते हैं, ऐसा उन्हें लगता था। वो उसी, उनका सबसे प्यारा सपना था, वो ऐसा लिखते हैं। है तो ये जो लगाव था, ये जाहिर करते हैं इन पंक्तियों से, वो अभिव्यक्त करते हैं। उसके बाद इस नाटक के कुछ दिनों के बाद उनके पिता के देहांत हो जाते हैं। पिता के देहांत होने के बाद उनसे निश्चित तौर पर उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आई और उन्हें बोधगा की फैक्ट्री की तरफ जाने के लिए कहा गया, तो उन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय बोधगा निर्माण से खुद को मुक्त कर लिया, खुद को अलग कर लिया। न सिर्फ पैतृक व्यवसाय बल्कि अपने पारिवारिक परिवेश से ही खुद को दूर कर लिया। और अलग करते हुए मेयरहोल्ड ने अपने समय के प्रसिद्ध लेखक वसेवलोड गार्शियन के नाम पर वसेवलोड अपना नाम रखा। वसेवलोड गार्शियन उस समय के प्रसिद्ध साहित्यकार, नाटक लेखक थे, जिनके नाम पर उन्होंने वसेवलोड अपने साथ जोड़ लिया। और अपना जो आखिरी नाम मेयर गोल्ड था, उसमें से गोल्ड के जगह पर उन्होंने होल्ड रख लिया। तो इस तरह से बदल करके उनका नाम वसेवलोड मेयर होल्ड हुआ। और ये बदलाव, ये नए तरह के बदलाव, वो सबसे पहले अपने आप से शुरू करते हैं। इसीलिए इस प्रसंग की चर्चा बहुत जरूरी थी कि वो रंगमंच में सिर्फ बदलाव की चर्चा नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने जीवन से बदलाव को आरंभ करते हैं। और इस तरह से बदलाव को हम देखते हैं कि मेयरहोल्ड एकदम अपने से ही शुरू करते हैं। 1895 में मेयरहोल्ड पेंसा से मॉस्को चले आते हैं कानून की पढ़ाई करने के लिए। उन्हें लगा कि कुछ पढ़ाई करनी होगी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, और वो कानून की पढ़ाई करना तय किया। वो आ गए पेंसा से मॉस्को, और मॉस्को के यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई के लिए दाखिला ले लिया, प्रवेश ले लिया। लेकिन दाखिला तो उन्होंने ले लिया कानून की पढ़ाई करने में, लेकिन उनका दिल कानून की पढ़ाई से ज्यादा रंगशालाओं में लगी रहती थी। वो हमेशा नाटक देखने के लिए, कहीं साहित्यिक गोष्ठी हो रही है, वहां कोई चित्र कला की प्रदर्शनी हो रही है तो आर्ट गैलरी में, कहीं संगीत के कार्यक्रम हो रहे हैं तो वहां, इसी तरह से उनका समय बीतता था। वो कानून की पढ़ाई कम कर पाते थे और कला के क्षेत्र में वो ज्यादा वक्त गुजारते थे। साथ में मेयरहोल्ड एक छोटा सा नोटबुक रखते थे अपने साथ, जहां कहीं भी उन्हें कुछ भी अच्छा, कोई नाटक की अच्छी पुस्तक का नाम दिख गया, नोट कर लेते थे। किसी कोई अच्छा नाटक का नाम दिख गया, वो नोट कर लेते थे। कहीं कोई अच्छी कविता की पंक्तियां दिख गई, उसे नोट कर लेते थे। तो इस तरीके से वो अपने साथ जो नोट लेते थे और उसको लेकर के वो उनके नोट्स में रंगमंच के संबंध में, बहुत सारी किताबों के संबंध में, बहुत सारी बातें, बहुत सारे नाम लिखे हुए थे। तो आप इन चीजों से समझ सकते हैं कि उनका लगाव, भले ही वो कानून की पढ़ाई तो कर रहे थे, लेकिन उनके भीतर जो एक चाहत, एक इच्छा, एक उत्कंठा जो थी रंगमंच के प्रति, कला के प्रति, वो किस तरह से थी, ये बहुत स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। तो 1896 आते आते उन्हें लगा कि नहीं, कानून की पढ़ाई उनका काम नहीं है, और उन्होंने कानून की पढ़ाई छोड़ दिया और तय किया कि मुझे अब
पूर्ण रूप से रंगमंच करना है। कानून वानून की पढ़ाई हो गई, ये बहुत पढ़ लिया मैं, अब मुझे रंगमंच ही करना है। और उन्होंने कानून की पढ़ाई छोड़ करके रंगमंच करने को सोच लिया। और 1896 में ही उन्होंने उस समय जो मॉस्को में एक ड्रामा का स्कूल था, उसका नाम था फिलहारमोनिक सोसाइटी ड्रामेटिक स्कूल, उसमें उन्होंने अपना दाखिला ले लिया। 2 साल के लिए वहां एक कोर्स चलाया जाता था जिसमें मेयर होल्ड ने दाखिला ले लिया। और यहां से उनके जीवन में विधिवत रंगमंच के प्रशिक्षण और शिक्षण का काम शुरू होता है। वो विधिवत रंगमंच को सीखना शुरू कर देते हैं। उस समय फिलहारमोनिक सोसाइटी ड्रामेटिक स्कूल में जो टीचर थे, उस समय के प्रसिद्ध रंगचिंतक, नाट्य निर्देशक, अभिनेता और नाटककार नेमिरोविच दानचेंको थे। जी हां, नेमिरोविच दानचेंको, यही नेमिरोविच दानचेंको भविष्य में जाकर के स्टानिस्लावस्की के साथ मिलकर के दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ग्रुप मॉस्को आर्ट थिएटर की स्थापना करते हैं, उस पर हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। तो नेमिरोविच दानचेंको के देखरेख में इन्होंने 2 साल का प्रशिक्षण वहां आरंभ पूरा किया और इन्हें मेयर होल्ड को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। वहां प्रशिक्षण प्राप्त के बाद उन्हें गोल्ड मेडल दिया गया। 1998 में ही स्टैनिस्लावस्की और नेमिरोविच दानचेंको दोनों मिल करके कहते हैं कि 18 घंटे की एक लंबी मीटिंग के बाद तय किया कि उन्हें एक ग्रुप बनाना है। और उन्होंने उस ग्रुप की स्थापना की जिसका नाम मॉस्को आर्ट थिएटर था। तो मॉस्को आर्ट थिएटर के स्थापना के बाद नेमिरोविच दानचेंको ने मेयर होल्ड को मॉस्को आर्ट थिएटर में बतौर अभिनेता काम करने के लिए आमंत्रित किया। और इस तरह से 1998 में उस नवनिर्मित मॉस्को आर्ट थिएटर में स्टैनिस्लावस्की के साथ, तब स्टैनिस्लावस्की अभिनय चिंतन के जो उनके अपने मेथड एक्टिंग का जो मॉड्यूल वो जो तैयार कर रहे थे वो करना आरंभ नहीं किया था। वो उसी दरमियान में वो एक्सपेरिमेंट हो रहा था, हुआ था मॉस्को आर्ट थिएटर के साथ। और जो बाद में प्रशिक्षण, अभिनय प्रशिक्षण का एक तरीके से बाइबल और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ में से एक माना जाने लगा, वो विकसित होकर के बनता है। तो मेयर होल्ड उस अभिनय प्रशिक्षण के आरंभिक दौर से ही स्टैनिस्लावस्की के साथ जुड़ गए और गुरु शिष्य के दोनों के बीच में एक रिश्ता हुआ। मेयर होल्ड सीखने लगे स्टैनिस्लावस्की के से और नेमिरोविच दानचेंको से। और इस तरह 1998 से लेकर के अगले 4 साल तक मेयर होल्ड मॉस्को आर्ट थिएटर में जुड़े रहे और वहां अनेकों नाटकों में भूमिकाएं की। और कई नाटकों में तो उन्होंने मुख्य भूमिकाएं की। अठारह सौ अंठानवे से लेकर के 1902 तक मेयर होल्ड स्टैनिस्लावस्की के सानिध्य में सीखते रहे और नाटक की प्रस्तुति करते रहे। तकरीबन 18 अलग अलग भूमिकाओं को उन्होंने मॉस्को आर्ट थिएटर में 4 साल में
निभाया, जिसमें कुछ प्रमुख मैं बताना चाहूंगा कि चेखोव का उस समय नाटक जो सीगल सीगल प्रमुख नाटक है सीगल, उसमें त्रेप्लेव की भूमिका निभाते हैं, और थ्री सिस्टर्स चेखोव के ही नाटक जो हैं उसमें तुजेनवाक की भूमिका निभाते हैं मेयर होल्ड, और टॉल्स्टॉय के नाटक द डेथ ऑफ इवान द टेरिबल में इवान की भूमिका निभाते हैं मेयर होल्ड। तो इस तरह से वो प्रमुख भूमिकाओं को निभाते को भी उन्होंने निभाया, और फिर उन्हें लगा मॉस्को आर्ट थिएटर में काम करते करते उस समय यथार्थवाद को चरम रूप से स्थापित करने की जो कोशिश थी स्टैनिस्लावस्की की, महीनों लंबे रिहर्सल और उसमें परफेक्शन रिक्रिएशन की जो योजनाएं होती थी, एक एक चीज परफेक्ट होना चाहिए जैसा कि वो हो सकता है उस पीरियड की चीजें होनी चाहिए, इस तरीके की जो लंबी चीजें होती थी, तो इन सबसे ऊब करके मेयर होल्ड को लगा कि नहीं, ये ही सिर्फ रंगमंच नहीं है, आगे जाकर के हम अगले कक्षा में जानेंगे रंग एक सवाल जो मेयर होल्ड बार बार पूछते हैं कि थिएटर में थिएट्रिकलिटी कहाँ है, व्हाट इज थिएट्रिकलिटी और थिएट्रिकलिटी वेयर इज थिएट्रिकलिटी इन द रियलिस्टिक थिएटर, इस तरह के जो सवाल हैं उसको हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो उन्हें लगा कि यहाँ जो रंगमंच हो रहा है ये रंगमंच उनका रंगमंच नहीं है, और उन्होंने 1902 में मॉस्को आर्ट थिएटर को छोड़ करके अपना नया नाट्य दल बना लिया, और उस नाट्य दल का नाम था कॉमरेड ऑफ न्यू ड्रामा, और वो फिर दूर सुदूर प्रांतों में अपने ग्रुप के साथ चले गए, और मॉस्को आर्ट थिएटर के साथ जो कुछ नाटकों का मंचन उन्होंने किया था उस नाटकों को का पुनः मंचन अपने ग्रुप के साथ कॉमरेड ऑफ न्यू ड्रामा के साथ करना शुरू किया, और लेकिन उसका हूबहू मंचन करने के बजाय उसमें नवीन प्रयोग करने का काम करना वो शुरू किया, यथार्थवाद से अलग हट करके वो काम करना शुरू किया, और इसी दौर में वो सिंबोलिज्म की तरफ बढ़ते हैं, नेचुरलिज्म या रियलिज्म के को छोड़कर सिंबोलिज्म की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं अपने इसी दल के साथ नाटक करते हुए। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य देना बहुत जरूरी है कि उन्होंने भले ही मॉस्को आर्ट थिएटर को छोड़ दिया था बजावता स्टानिस्लावस्की के निर्देशन और अभिनय सिद्धांत से उनकी बजाव वैचारिक मतभेद थी, उनकी टकराहट थी, वो उसमें कहते थे कि ये तो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो इसमें थिएट्रिकलिटी नहीं है, तो इस तरीके का सवाल भले ही पूछते थे मेयर होल्ड, लेकिन ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मेयर होल्ड जीवन पर्यंत स्टैनिस्लावस्की का सम्मान करते रहे और उन्हें हमेशा गुरु की गुरु ही माना, और विचारों का मतभेद कभी भी जीवन पर्यंत उन्होंने अपने संबंधों में नहीं आने दिया, ये सबसे अच्छी बात थी। जब वो अपने ग्रुप के साथ इस तरह के नवीन प्रयोग करते हुए सिंबोलिज्म की तरफ बढ़ रहे थे, तब तक इब्सन और मेटरलिंक ने प्रतीकवादी नाटकों की रचना करना आरंभ कर दिया था, वो उस तरह के नाटक लिखे जा रहे थे, इसीलिए उनको उस तरफ की झुकाव होने लगी। तभी एक जर्मन थिएटर मैनेजर कहा जाए, आर्किटेक्ट कहा जाए, जॉर्ज फुच डायरेक्टर भी कहा जाए, वो उनकी एक पुस्तक है द थिएटर ऑफ द फ्यूचर, ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1890 में प्रकाशित हो चुकी थी ये पुस्तक थिएटर ऑफ द फ्यूचर, और जो इस पुस्तक को मेयर होल्ड पढ़ रहे थे, तो इस पुस्तक को पढ़ते हुए उन्हें इस पुस्तक ने नए रंगमंच के लिए खोज करने के लिए प्रेरित किया, उनका पथ का प्रदर्शन किया। ये पुस्तक उनके जीवन में एक शुरुआती दौर में एक नई दिशा देने का काम किया।
और इस तरह से मेयरहोल्ड प्रतीकवाद से भी, ऐसा नहीं कि मेयरहोल्ड ने यथार्थवाद को ठुकरा करके प्रतीकवाद को अपना लिया और प्रतीकवाद में ही जीवन भर काम किया, नहीं, प्रतीकवाद से ही जल्द ही उन्होंने आगे की तरफ यात्रा शुरू कर दी, वहीं ठहर नहीं गए। उन्हें लगा कि यह भी मेरा थिएटर नहीं है, तो उन्होंने बाद में कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसको निर्माणवाद, संरचनावाद के नाम से हम जानते हैं, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, तो इस तरह के थिएटर के लिए वो यात्रा शुरू कर देते हैं। इसी समय वो कॉमेडिया डेलार्टे, जो इटली की एक बड़ी रेनेसा के बाद उपजी हुई कमाल की नाट्य शैली है, जिसमें कि नाटक का लिखित आलेख नहीं होता है, बस एक बाहरी खाका होता है, एक कथा की बाहरी रूपरेखा होती है, और उसको अभिनेता खुद अपने इम्प्रोवाइजेशन से पूरे नाटक को शब्द शब्द देते हैं और दृश्यों की रचना करते हैं, और उसमें अभिनेता के जो तरी स्टॉक कैरेक्टर हैं वो होते हैं, वो अभिनेता फिक्स्ड होते हैं। हर नाटक में एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, एक हीरो का बाप होगा, एक हीरोइन के बापों का बाप होगा, और एक हीरोइन से और प्यार करने वाला एक झूठा सिपाही, वो डींग हांकने वाला फौजी होगा जो उस तरह से प्यार करता है, फिर हीरो का नौकर होगा, हीरोइन के नौकर होंगे, इस तरह का जो स्टॉक कैरेक्टर है हर नाटक में होता था। तो कॉमेडिया डेलार्टे की रीडिंग उन्होंने गंभीरता से उसको पढ़ना शुरू किया। इसी दरमियान जो उनके जीवन में आगे चल करके भी बहुत ही उनके प्रशिक्षण में, अभिनेता प्रशिक्षण में और उनके रंगमंच जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जिसका होता है, वो कॉमेडिया डेलार्टे है। और कॉमेडिया डेलार्टे के गंभीरतापूर्वक अध्ययन के अलावे उन प्रसिद्ध अभिनेताओं के बारे में भी, उन प्रसिद्ध अभिनेताओं का भी अध्ययन किया जो बिना लिखित नाटक को अपनी के भी अपनी भूमिका किया करते थे। इटली जाकर इटली के उन प्रसिद्ध अभिनेताओं के बारे में भी उन्होंने अध्ययन किया। इसके अलावे चीन और जापान के शास्त्रीय रंगमंच का अध्ययन किया, खासतौर पर उस तकनीक का जब अभिनेता मंच पर होता है या मंच पर प्रवेश करता है तब का तकनीक, और जब मंच अभिनेता के मंच पर होते हुए भी तकनीशियन अपना काम कर रहा होता है, मंच सहायक जो है वो दृश्यों का परिवर्तन कर रहा होता है और अभिनेता अभिनय कर रहा होता है, तो ये जो चीन और जापान के शास्त्रीय नाटकों में जो एक तकनीक थी, इन तकनीकों का मेयरहोल्ड ने बहुत ही गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया। और इस तरह से 1905 आते आते तो मेयरहोल्ड ने साफ तौर से यथार्थवादी रंगमंच को नकार दिया। 1906 में मॉस्को आर्ट थिएटर में के अलावे स्टैनिस्लावस्की ने अपना एक और स्टूडियो बनाया था, स्टूडियो वन के नाम से एक नया स्टूडियो स्थापित किया, और इस नए स्टूडियो में काम करने के लिए स्टैनिस्लावस्की ने फिर से मेयरहोल्ड को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि आकर के आप मेरे लिए मेरे स्टूडियो में कुछ नाटकों का निर्देशन कीजिए, और उस पूरे स्टूडियो का खर्च स्टैनिस्लावस्की खुद से उठाते थे, वो उनके अपने पैसे उसमें लगे होते थे, और जिसमें कुछ प्रतीकवादी नाटकों का निर्देशन करने के लिए मेयरहोल्ड को आमंत्रित किया गया। वो स्टूडियो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, क्योंकि उस समय रूस की जो दशा थी, तरह तरह के सामाजिक और क्रांति और वो राजनीतिक दशा स्थिर नहीं थी, अस्थिरता थी, और क्रांति का दौर शुरू हो गया था, धीरे धीरे क्रांति की तरफ लोग बढ़ रहे थे, तो इसलिए बहुत ज्यादा दिन तक वो स्टूडियो नहीं चल पाया इन सारे परिस्थितियों के कारण। एक साल में ही उसे बंद कर देना पड़ा था स्टैनिस्लावस्की को। लेकिन यहां रहते हुए मेंटरलिंक के एक नाटक को यहां रहते हुए मेयरहोल्ड ने मेंटरलिंक के नाटक द डेथ ऑफ टिंटागाइलस का प्रदर्शन किया,
ये सिंबॉलिक नाटक था, सिंबॉलिज्म में लिखा गया नाटक था और उसके उसका मंचन किया। उसके बाद तो वो स्टूडियो बंद हो गया। फिर मेयरहोल्ड को 1906 में उस समय की एक बड़ी प्रसिद्ध अभिनेत्री वीरे कॉमी सर जे वस्काया वो अपने जमाने में शुरुआत में एमेचरिस्ट रूप में एमेचर शौकिया रूप से वो स्टेनिस्लावस्की के साथ भी शुरुआती दौर में काम कर चुकी थी और वो उस समय के प्रसिद्ध निर्देशक की बेटी थी और इस तरीके से अपने समय की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। उसने अपने थिएटर में अपने नाट्य दल में काम करने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग में मेयरहोल्ड को आमंत्रित किया। सेंट पीटर्सबर्ग में वो जाते हैं मेयरहोल्ड और वहां वो इब्सन और मेटरलिंक के नाटकों का मंचन करना आरंभ करते हैं, जिसमें इब्सन के नाटक डॉल्स हाउस और घोस्ट आदि का मंचन किया। वहां उन्होंने घोस्ट नाटक के प्रदर्शन की यहां थोड़ी सी उल्लेख करना बहुत जरूरी है ताकि थोड़ा सा मेयरहोल्ड के काम हो। आगे तो हम उनके काम को और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ी सी सहायता मिले इसके लिए हमें पृष्ठभूमि में इन चीजों की चर्चा करना बहुत जरूरी है कि घोस्ट नाटक को मंचित करते हुए उन्होंने क्या किया कि प्रोसीनियम का जो मुख्य पर्दा होता है, जो नाटक से पहले से बंद हुआ करता है, उसे मंच से हटा दिया। बोला कि इसकी जरूरत नहीं है, कोई छिपाव की जरूरत नहीं है। दर्शक आए बैठे मंच पर, अगर कुछ सेट लगा है तो वैसे रहेगा, नहीं तो अगर लगना है तो वो उसके आंख के सामने में लगेगा। कोई सीमा रेखा नहीं, कोई मनोवैज्ञानिक वातावरण निर्माण नहीं, कोई गंभीर और संजीदापन नहीं। उन्होंने इस तरह की चीजों को दूर कर दिया रंगमंच से। बस उस प्रस्तुति में कुछ नृत्य जैसी मुद्राएं थी, स्थिरता और तालबद्ध चलना था, जैसे जापानी नाटकों में नोह में हुआ करता है। तो उस तरह के प्रयोग को उन्होंने घोस्ट में, घोस्ट जो एक प्रमुख नाटक है इब्सन का, उसमें उन्होंने किया। इस समय मेयरहोल्ड उस समय के एक दूसरे प्रसिद्ध नाट्य निर्देशक अभिकल्पक एडवर्ड गॉर्डन क्रेग की एक पुस्तक द आर्ट ऑफ द थिएटर से प्रेरणा ले रहे थे और क्रेग की एक अवधारणा है उबर मेरियोनेट। उबर मेरियोनेट के बारे में आप अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो एडवर्ड गॉर्डन क्रेग के लेक्चर सीरीज नंबर 2 को देखें। उसमें बहुत स्पष्ट रूप से उबर मेरियोनेट की अवधारणा क्या है इसके ऊपर चर्चा की गई है। तो उबर मेरियोनेट की अवधारणा से प्रभावित होकर के रंगमंच में अभिनेता के महत्व को थोड़ा सा कम करके ये मेयरहोल्ड देखने का काम करना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस समय के जो अभिनेता हुआ करते थे वो यथार्थवादी अभिनय के लिए ही ट्रेंड हो रहे थे, तो उनके काम करने का जो तरीका था वो यथार्थवादी था। तो वो यथार्थवादी अभिनय के महत्व को कम करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण अभिनेता का भी महत्व कम हो गया था और उन्हें जो अभिनेत्री वीरे कॉमिसर जे वस्काया ने बुलाया था, उसने इस बात पर आवाज उठाई, उसने विरोध भी किया, लेकिन मेयरहोल्ड इस बात की परवाह नहीं किए और अपना काम करते रहे। बल्कि कॉमिसर जे वस्काया को बाद में कास्ट करना बंद कर दिया अपने नाटक में, ऐसी स्थिति भी वो कर दिए थे। खैर, तो मेयरहोल्ड इस तरीके से प्रयोग के लिए किसी भी तरीके से, किसी भी स्थिति में छलांग लगाने के लिए और किसी भी स्थिति तक जाने के लिए तैयार हो रहते थे। तो इस तरह से 1908 आते आते मेयरहोल्ड को लगा कि थोड़ा बाहर जाना चाहिए और वो वीरे कॉमिसर जो वस्काया के साथ बर्लिन जर्मनी घूमने चले गए। उस समय के एक महान नाट्य निर्देशक, हालांकि सारे
आधुनिक रंगमंच में वो महान आज भी माने जाते हैं और हैं। मैक्स राइनहार्ट जो रंगमंच में विशाल फलक कैसे हो, उत्सव धर्मिता और इस तरह का रंगमंच कैसे हो, इस चीज पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो मैक्स राइनहार्ट के नाटक को देखने के लिए वो चले गए और मैक्स राइनहार्ट के नाटक को देखा और उनके तकनीकों को गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया, समझा और फिर वहां से लौटे। 1908 में ही मेयरहोल्ड लौट करके सेंट पीटर्सबर्ग के इंपीरियल थिएटर में निर्देशक के रूप में काम करना शुरू किया। वहां निर्देशक के रूप में नियुक्त हुए। यहां रहते हुए मेयरहोल्ड आगे चलकर यहां काम करते हुए इंपीरियल थिएटर में काम करते हुए उन्होंने न सिर्फ इंपीरियल थिएटर में काम किया बल्कि पीटर्सबर्ग में अलेक्जेंड्रिस्की थिएटर और मैरीनस्की ओपेरा ग्रुप के साथ भी काम करना शुरू किया और इनके लिए भी नाट्य निर्देशकों का काम किया। इंपीरियल थिएटर और अलेक्जेंड्रिस्की थिएटर और मैरीनस्की ओपेरा में काम करते हुए मेयरहोल्ड ने अनेक नाटकों का निर्देशन किया जिसमें कुछ प्रमुख है त्रिशांत एंड इसोल्ड डॉन जुआन और ओरिफियस त्रिशांत एंड इसोल्ड ये सब उनके प्रमुख नाटक थे। 1911 से लेकर के 1917 तक का जो काल है वो मेयरहोल्ड के लिए काफी ऊर्जावान और काफी रचनात्मक समय रहा है। इस काल में जो उनका जो डॉन जुआन में वो करते हुए जो प्रयोग करते हैं इस पर थोड़ी सी टिप्पणी बहुत जरूरी है हम लोगों को जानना कि वो क्या करते हैं कि जैसी तेज रोशनी वो मंच पर रखते हैं वैसी ही तेज रोशनी वो दर्शकों के लिए भी रखते हैं। पूरी घटना जो होगी एकदम बराबर की तेज रोशनी में होगी, ऐसा नहीं कि मंच पर उजाला होगा और दर्शकों को अंधेरे में रखा जाएगा, ये परंपरा नहीं रहेगी। उन्होंने सजावटी पर्दे जो थे नहीं उन्होंने और प्रस्तुति में चलते ही जब अभिनेता अभिनय कर रहा है उस अभिनय के दरमियान ही मंच सहायक मंच पर आ रहे हैं, तकनीशियन आ रहे हैं, जा रहे हैं, साथ ही उन्होंने अभिनेता के लिए और दर्शक के लिए दो प्रवेश द्वार नहीं रखा कि अभिनेता अलग पीछे से मंच पर एंट्री करेगा और दर्शक के लिए अलग कोई दरवाजा होगा, नहीं, अभिनेता और दर्शक के लिए एक ही दरवाजे का इस्तेमाल किया गया जहां वो दोनों साथ साथ आएंगे जाएंगे। मंच पर अगर प्रस्तुति अभिनय चल रहा है उसके बावजूद भी तकनीशियन को जरूरत है तो वो मंच पर आता है, अपना काम करके चला जाता है, सहायक जो है वो आते हैं मंच पर और अपना काम करके चले जाते हैं। अभिनय के दरमियान ही नाटक चलते हुए ही दर्शक की आंखों के सामने सेट को बदला जा रहा है, सामान को ना करके रखा जा रहा है, जो सामान प्रयोग हो चुका है उस सामान को उठा करके ले जाया जा रहा है और अभिनय भी चल रहा है। ये सारी प्रक्रियाएं जो यथार्थवादी रंगमंच में ऐसा तो सोचना भी दुर्लभ था, तो इस तरह का प्रयोग वो डॉन जुआन में करना शुरू कर देते हैं डॉन जुआन। और वो इस तरीके के प्रयोग से वो धीरे धीरे रंगमंच में एक नए तरह के रंगमंच करने के लिए
के अगुआ कलाकार के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना शुरू कर लेते हैं। इसी दरमियान में 1913 में उन्हें फ्रांस के पेरिस से इदा रूबिनस्टाइन के निमंत्रण पर वो फ्रांस जाते हैं, फ्रांस के पेरिस में जाते हैं और वहां एक गार्वियल द अनुनिजियो के नाटक पिशानेल्ला गार्वियल के नाटक पिशानेल्ला का वहां मंचन करते हैं। 2 महीना वहां रुकते हैं पेरिस में और 2 महीने में पिशानेल्ला की प्रस्तुति करते हैं और काफी ख्याति अर्जित करते हैं। वहां रहते हुए उन्होंने फ्रांस के तरह तरह के ओपेरा को और लोकप्रिय और अन्य मनोरंजक कला जो है उसको और सर्कस को, केवरेज को, लाइब्रेरी को, म्यूजियम्स को, आर्ट गैलरी को छान मारते हैं और पूरी तरह से वहां से वो बहुत सारी चीजें, नवीन चीजें लेकर के अपने साथ फिर लौट आते हैं रसिया इंपीरियल थिएटर में। फिर इंपीरियल थिएटर में काम करते हुए मेयरहोल्ड ने ये किया कि सबसे पहला काम किया कि वो सजावटी पर्दे तो जो थे मंच के वो हटा दिए गए। अब मंच के पीछे का जो बैकड्रॉप हुआ करता था उसे निकाल दिया गया। किसी भी नाटक के बैकग्राउंड बैकड्रॉप के रूप में वह जो दीवार, ईंट की जो दीवार थी वही दिखाई पड़ती थी। अब वही नाटक का बैकग्राउंड बन गया था, ना कि कोई कर्टेन और अगल बगल में जो सजावटी पर्दे और वो झालर फुल्लर सब हटा दिया गया। आगे की जो फुटलाइट हुआ करती थी उसे हटा दिया गया। आगे का जो एप्रन था वहां तक अभिनेता आकर के अभिनय करना शुरू करते थे, वो अग्रभाग जो निकला हुआ होता था वहां आकर के, बल्कि ये कहा जाए कि रंगमंच में एप्रन का जो अपना वैल्यू है उस वैल्यू को स्थापित करने का काम तो मेयरहोल्ड ने ही किया। तो इस तरीके से वो लगातार प्रयोग कर रहे थे रंगमंच में, अपने निर्देशन में, अपने नए नाट्य शैली, नई भाषा को करने का काम वो लगातार उसमें खोज, ये नहीं कि बस यहां तक आकर के रुक गए और ठहर गए और इतने में बात खत्म हो गई। वो लगातार नए काम में लगे पड़े रहते थे। इसके बाद, इसके साथ साथ मेयरहोल्ड ने क्या किया कि उन्होंने अपने फ्लैट में सेंट पीटर्सबर्ग में ही एक स्टूडियो शुरू किया और स्टूडियो में अभिनय प्रशिक्षण देना शुरू किया। और वो अभिनय प्रशिक्षण जो देना शुरू किया उन्होंने, तो इसके लिए उन्होंने एक काम किया कि उन्होंने अपना एक छद्म नाम रखा, स्वयं को एक छद्म नाम से प्रस्तुत किया। वो नाम था डॉक्टर डेपर्ट्यूटो। इस नाम से उन्होंने अभिनय प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया। इस यहां प्रशिक्षण में कॉमेडिया डेलार्टे को प्रमुखता से रखा गया। उसके बाद म्यूजिकल रीडिंग, डांस, फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर के सर्कस, सर्कस में जो कलाबाजियां एक्रोबेट्स होते हैं उसकी ट्रेनिंग, और ये सब शामिल कर लिया गया। ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रशिक्षण का दौर था यहीं पर उस प्रशिक्षण का बीज पड़ा जो भविष्य में विश्व प्रसिद्ध जो बायोमैकेनिक्स के नाम से जाना गया, जिसे हिंदी में हम जैव यांत्रिक के नाम से जानते हैं, जो मेयरहोल्ड के अभिनय सिद्धांत का पूरी दुनिया में जिस बायोमैकेनिक्स की चर्चा होती है, उस बायोमैकेनिक्स के प्रशिक्षण का बीज इसी समय में
1914 में उनके अपने फ्लैट पर बीजारोपण हुआ था। और इसी 1914 के आसपास उन्होंने 1914 में ही मेयरहोल्ड ने अपने स्टूडियो से एक पत्रिका प्रकाशित करना शुरू किया, जिसका नाम, जिस पत्रिका का नाम था लव फॉर थ्री ऑर्जेस, लव फॉर थ्री ऑर्जेस, लव फॉर थ्री ऑर्जेस में स्टूडियो में जो प्रशिक्षण काम हुआ करता था, उसका जो प्रायोगिक गतिविधियां थी प्रशिक्षण के दरमियान, उसका ब्यौरा, कविताएं, आलोचनात्मक आलेख, ये सब प्रकाशित किया जाता था। 1916 आते आते एक खास प्रारूप विकसित हो गया, जिसमें कि वो कॉमेडिया डेलार्टे, म्यूजिकल रीडिंग और सर्कस की कलाबाजियां और एक्रोबेट्स और डांस, इस तरह की चीजों के अलावे पढ़ने के लिए कॉमिक, ट्रेजेडी और ट्रेजो कॉमेडी, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। 19वीं शताब्दी के जितने भी रशियंस क्लासिकल नाटक थे, इवन गोगल जो उस समय के प्रमुख नाटककार थे, इंस्पेक्टर जनरल जिनका प्रमुख नाटक है हिंदी में जांच पड़ताल, दो कौड़ी का खेल, और इस तरह से दो कौड़ी का खेल नहीं, जांच पड़ताल के नाम से और आला अफसर के नाम से उस नाटक का अनुवाद किया गया है। तो यहां तक कि उनको भी शामिल करके 19वीं शताब्दी के जितने भी रशियन क्लासिकल नाटक थे उनको पढ़ने की बात की जाती थी। इसके अलावा पॉपुलर थिएटर पूरे दुनिया के और सर्कस, और यहां तक कि हिंदू मतलब इंडियन थिएटर एंड एशियन ओरिएंटल थिएटर, जो चीन जापान का रंगमंच है, इन सब रंगमंच का अध्ययन वहां किया जाता था, बच्चों प्रशिक्षुओं को पढ़ने दिया जाता था, वहां पढ़ने की बात की जाती थी। कंटेम्पररी थ्योरी जितनी भी थी, स्टेनिस्लावस्की से लेकर के जो भी कंटेम्पररी थ्योरी उस समय डेवलप हुआ था, वो सारे थ्योरियों को लेकर के वो थ्योरी, यहां तक कि मेयरहोल्ड जो विकसित कर रहे थे उन थ्योरियों को भी पढ़ने की बात हो रही थी। इस तरह से वो एक मॉड्यूल विकसित हुआ था। और इसके अलावा निर्देशक और अभिकल्पक की क्या भूमिका होगी रंगमंच में, इस पर भी प्रशिक्षुओं को विस्तार से चर्चा की जाती थी। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 1917 तक चलता रहा। 1918 के अगस्त आते आते मेयरहोल्ड कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ले लेते हैं रशिया में, और तब क्रांति का समय आ चुका था, और वह क्रांति के विचारों को रंगमंचीय रूप देने वाली गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। लेकिन यहां एक बात बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान देने योग्य है कि वह दिल से बोल्शेविक थे, पर प्रचार करने वाले निर्देशक कतई नहीं थे। वो क्रांति पर बिल्कुल, क्रांति के जरिए जो बदलाव आ रहे थे, उस बदलाव पर बिल्कुल तीखी नजर रखे हुए थे और आलोचनात्मक नजर रखे हुए थे। वे स्वतंत्र थे, उन्मुक्त थे और निडर थे। इस प्रकार हम मेयरहोल्ड के रंगमंचीय जीवन में रूसी क्रांति के पूर्व को हमने आज जाना, समझा। शेष जीवन और कार्य को हम अगले व्याख्यान माला की श्रृंखला में जानेंगे, समझेंगे, उनके तरह तरह के जो बायोमैकेनिक्स और भी जो उनके लिटरेचर्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।